तो हेलो दोस्तों, मैं आपको MX प्लेयर के बारे में 3 बेहतर सेटिंग बताऊंगा जो आजकल हम सभी अपने फ़ोन में MX प्लेयर को यूज़ करते हैं। तो नंबर 1, हम जब भी कभी MX प्लेयर में कोई वीडियो या मूवी देख रहे हैं तो कभी क्या होता है, गलत सेटिंग की वजह से उसका जो साउंड है या वीडियो है स्पीड चलने लगता है। और दूसरी सेटिंग की बात करूँ तो हम कभी अपने MX प्लेयर में कोई वीडियो या कोई सॉन्ग कुछ भी देख रहे हो तो उसका साउंड जो क्या होता है कभी कभार कम सुनाई देता है। तो आप MX प्लेयर की सेटिंग्स में जाकर उस साउंड को भी आप डबल साउंड कर सकते हैं। तीसरी सेटिंग्स की बात करूँ तो आप जब भी आप MX प्लेयर में कोई मूवी या कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर उसका आप सिर्फ साउंड सुनना चाहते हैं तो आप उसका साउंड भी बैकग्राउंड में सुन सकते हैं। तो मैं आपको यही 3 बेहतर सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, पर इससे पहले आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस को लेके आते रहता हूँ। अब आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इन 3 सेटिंग्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं MX प्लेयर बेटा वर्जन, और ओपन करने के बाद एक वीडियो ओपन करते हैं। मान लीजिए आपसे कभी कभार आप का गलत सेटिंग की वजह से जो वीडियो का क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी है कभी स्पीड हो जाता है, तो उसे आप स्लो करने के लिए आपको यहाँ मतलब उसे ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना होगा, और 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको आना होगा प्ले पे, और प्ले पे आने के बाद आपको फिर से आना होगा स्पीड पे क्लिक करना होगा, और स्पीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरे जो वीडियो और ऑडियो का क्वालिटी है स्पीड हो गया है तो 135 है, तो आपको यहाँ पे 100 होना चाहिए। तो आपका वीडियो और ऑडियो का क्वालिटी जो है अच्छी स्पीड में रहेगी, मतलब अपने हिसाब की स्पीड में वो चलेगी। तो अगर आप इसे प्लस वाला पे क्लिक करते हो तो आपका वीडियो का स्पीड हाई हो जाएगा। तो आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बात कर रहा था जो हमारे साउंड कभी स्लो सुनाई देता है तो उस साउंड को हम कैसे डबल साउंड में करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो ऊपर में दिखाई दे रहा है SW, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और आप जब SW डिकोडर में आप क्लिक करेंगे तो आपका जो साउंड है डबल हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपने साउंड को डबल कर सकते हैं। आप अपने सेटिंग्स में इस तरह से मिला करके अपने साउंड को भी आप बढ़ा सकते हैं। तीसरी सेटिंग की बात करूँ तो आप अपने वीडियो का जो ऑडियो है आप उसे बैकग्राउंड में भी सुन सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा 3 डॉट्स पे। आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्ले पे फिर से आपको यहाँ पे प्ले पे क्लिक करना होगा, और प्ले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में टिक कर देना होगा, क्लिक कर देना होगा। और आप जब यहाँ से आप इसे हटा भी देते हैं तो इसका जो वीडियो का साउंड है आप उसे ऑडियो में सुन सकते हैं।